नमस्कार, मैं अप्रिया। आज है 21 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अगले दो दिन के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने विकिपीडिया से की खास अपील। बिहार में 1 से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की उठी मांग। जारी हुआ बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की नई तारीख। मंगल पांडे ने दिसंबर महीने तक सभी के टीकाकरण होने का किया दावा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। टेरिटोरियल आर्मी में अफसर बनने का मौका। भारतीय थल सेना ने टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर नॉन डिपार्टमेंटल के पदों पर आवेदन की मांग की है। ग्रेजुएट युवा इसके लिए jointterritorialarmy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के जरिए चयनित उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट की रैंक दी जाएगी। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। अभ्यर्थी 19 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। लिखित परीक्षा की संभावित तारीख 26 सितंबर 2021 है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से किसी विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त किया होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदक शारीरिक और चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए, जिसके बाद सही आवेदन वाले उम्मीदवारों के लिए पहले लिखित परीक्षा के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। इसमें पास होने वाले उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद सफल उम्मीदवारों को अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और मेडिकल बोर्ड जाना होगा। आज धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाएगी बकरीद। आज पूरे देश में बकरीद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। बकरीद इस्लाम मजहब का प्रमुख त्यौहार है। मुसलमान लोग इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार हर साल बकरीद 12वें महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। बकरीद रमजान महीने के खत्म होने के लगभग 70 दिनों के बाद मनाई जाती है। हालांकि लगातार दूसरी साल बकरीद की नमाज ईदगाह और मस्जिद में नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि सभी लोग नमाज घरों में ही अदा करेंगे। इसको लेकर पटना जिला प्रशासन ने बकरीद को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। बकरीद पर किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वाले और सद्भाव भंग करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटना के डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी आदेश दे दिए हैं। बिहार में 1 से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की उठी मांग। बिहार में 1 से 10वीं कक्षा खोलने को लेकर विचार विमर्श शुरू हो सकता है। कोरोना के मामलों में आ रही कमी को ध्यान में रखते हुए निजी स्कूल के एसोसिएशन स्कूल को फिर से खोलने की मांग करने लगे हैं। बिहार में निजी स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि कक्षा 1 से 10वीं तक के स्कूल खोले जाएं, क्योंकि अब कोरोना की स्थिति सामान्य हो गई है। बच्चों की पढ़ाई ज्यादा प्रभावित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को स्कूल खोलने का आदेश दे देना चाहिए। हालांकि शिक्षा विभाग ने यह साफ कर दिया है कि निजी स्कूल खोलने का कोई भी फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ही संभव होगा। यह बैठक 5 या 6 अगस्त को होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं स्कूल खोलने के मामले पर एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया है कि अब स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार करना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को बीते दिन कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके तहत महिलाओं के साथ हो रहे अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए दायर की गई याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को ऐसे मामलों को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। यह मामला तब शुरू हुआ जब अधिवक्ता ओम प्रकाश ने कोर्ट को बताया कि 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को ऐसे मामलों से बचाने को लेकर शिक्षण संस्थान, कार्यरत महिलाओं के लिए हॉस्टल, बाजार, सिनेमा हॉल, गर्ल्स हॉस्टल, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिस को तैनात करने का निर्देश दिया था, लेकिन बिहार में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। बिहार में अगले दो दिन के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज बीते कुछ दिनों से सुहाना नजर आ रहा है। वहीं अब मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार के कई जिलों में आने वाले दो दिनों में बारिश के हालात नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बिहार में मॉनसून की सक्रियता की वजह से अब भी बारिश की स्थिति बनी हुई है। अभी मॉनसून ट्रफ गया से होकर गुजर रही है और असम की ओर चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना है। एक और चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बना है। इसकी वजह से सूबे में बारिश का सिस्टम अभी सक्रिय है। मौसम विभाग की तरफ से इन मौसमी सिस्टम के आधार पर अनुमान किया गया है कि अगले 24 घंटों में उत्तर पश्चिमी बिहार में एक दो जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। नई तकनीक बनी राशन वितरण के मामले में मुसीबत। बिहार के सभी 38 जिलों में लागू खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य के साथ बिहार सरकार अब तक काम कर रही थी। यही कारण है कि बिहार सरकार ने इस बाबत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुल मिलाकर 48,824 दुकानों पर ई पॉश मशीन लगाकर राशन देने की व्यवस्था की थी, लेकिन सरकार की यह तकनीक आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की राह इंटरनेट ने और ज्यादा कमजोर कर दी है।
अब तक आए शिकायतों में 3456 शिकायतें ई पॉश मशीन ठीक से काम नहीं करने से जुड़ी है, क्योंकि ये अंगूठे का निशान नहीं ले पाती है। हालांकि विभाग के विचार इससे ठीक उलट है। विभाग की माने तो पॉश मशीनों से पारदर्शिता बढ़ी है और गलत हाथ में राशन जाने का खतरा कम हुआ है। इसके साथ ही खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विनय कुमार ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर इस तरीके की परेशानी आती है तो इसका समाधान विभाग जल्द से जल्द जरूर निकालेगा। बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी की। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी भारत के एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले क्रांतिकारी साहित्यकार, पत्रकार, संपादक थे। वो हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। आपने गद्य लेखक, शैलीकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और हिंदी प्रेमी के रूप में अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्र निर्माण, समाज संगठन और मानवता के जयगान को लक्ष्य मानकर बेनीपुरी जी ने ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, नाटक, उपन्यास, कहानी, बाल साहित्य आदि विविध गद्य विधाओं में जो महान रचनाएं प्रस्तुत की है वो आज की युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। बिहार में सड़क किनारे खुले स्कूल के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन। पूरे देश में कोरोना के कहर के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया था। हालांकि अब धीरे धीरे 10वीं क्लास के ऊपर के बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। ऐसे में अब बिहार सरकार ने सड़क किनारे स्थित स्कूल के लिए अलग से गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के तहत सरकारी और निजी दोनों ही स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि स्कूल खुले होने के दौरान जब बच्चे स्कूल से घर जाने के लिए निकलते हैं तो वो अचानक से सड़क के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, जिसके कारण सड़क दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। सावन में मंदिर में पूजा नहीं करने की मिलेगी अनुमति। सावन की शुरुआत 25 जुलाई से होने वाली है। हालांकि कोरोना के कारण इस बार भी सावन का त्यौहार घरों में ही मनाना होगा। बिहार में कोरोना को लेकर सावन के दौरान सतर्कता बरती जाएगी। सरकारी जानकारों की माने तो दूसरी लहर के बाद संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नजर नहीं आ रही है। यही कारण है कि इस बार भी श्रावणी मेला और सावन के दौरान मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों की सुरक्षा और संक्रमण से बचाव के लिए इस बार श्रावणी मेले की इजाजत नहीं दी गई। सावन महोत्सव से जुड़े किसी भी कार्यक्रम पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने भी श्रद्धालुओं से यह अपील की है कि वो अपने घर में रहकर ही पूजा पाठ करें। 3 साल से जमे पुलिस अफसरों का होगा तबादला। बिहार के पुलिस महकमे में बीते दिन बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जिसके तहत एक ही जगह पर 3 साल से जमे पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। इस बाबत पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के एसपी और एसएसपी को निर्देश जारी कर दिया है। इसको लेकर बीते दिन एक पत्र भी जारी किया गया था। जारी किए गए पत्र के अनुसार 3 साल से एक ही कार्यालय में पोस्टेड पुलिस अफसरों और पुलिसकर्मियों को बदलने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इस आदेश को लेकर रेल सहित बिहार के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और वरीय पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी कर दिया गया है। मुख्यालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक जिला पुलिस महकमे के साथ साथ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को भी निर्देश जारी किया है। डीआईजी ने जल्द से जल्द ऐसे अधिकारियों का तबादला करने का निर्देश दे दिया है। अब अपने सिलेंडर में बची रसोई गैस का लगा सकेंगे खुद ही पता। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की तरह स्मार्ट सिलेंडर भी लगाया जाना है, जिसके तहत अब आप भी अपने घर में स्मार्ट सिलेंडर में खाना पका सकेंगे और ये संभव होगा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पहल से, क्योंकि आईओसी ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है, जिनका नाम कम्पोजिट सिलेंडर रखा गया है। स्मार्ट सिलेंडर की सबसे खास बात यह है कि महिलाओं को उनकी सबसे बड़ी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा कि सिलेंडर में कितनी गैस बची हुई है और अब तक कितना खर्च किया जा चुका है। यह स्मार्ट सिलेंडर सबसे पहले सूबे के 3 जिलों में उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर जिले का नाम शामिल है। सबसे खास बात यह है कि इन जिलों में सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है। मंगल पांडे ने दिसंबर महीने तक सभी के टीकाकरण होने का किया दावा। बिहार में कोरोना की रफ्तार कम हो गई है, जिसके तहत संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बिहार में टीकाकरण का काम जोर शोर से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ने तो आने वाले 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य भी रखा है। वहीं अब टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान बेहतर तरीके से चल रहा है। अब तक 2 करोड़ 10 लाख वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। हर दिन करीब 8 लाख डोज दिए जा रहे हैं। सरकार दिसंबर तक सभी का टीकाकरण कराने के लिए कार्य कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर कहा कि जो गांव बाढ़ प्रभावित है या बरसात के कारण पानी जमा हो गया है, वहां पर नाव के जरिए टीका भेजा जा रहा है। उन स्थानों पर लोगों को टीका लग रहा है। टीका एक्सप्रेस नाम से 849 गाड़ियां चल रही है। इन गाड़ियों को भी गांव-गांव में चलाया जा रहा है। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की नई तारीख। कोरोना के कारण स्थगित हुई बीएड की परीक्षा तारीख जारी कर दी गई है। ललित नारायण विश्वविद्यालय के कुलपति के आदेश से राज्य नोडल अधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने इसकी जानकारी साझा की, जिसके तहत उन्होंने बताया कि यह परीक्षा अब अगले महीने की 11 तारीख को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी, जिसके तहत अब अभ्यर्थी 4 अगस्त तक अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
नहीं चुकाने वाले चीनी मिलों की अब होगी नीलामी। गन्ना किसानों के लिए अहम सूचना। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग ने चीनी मिल के कर्मचारियों और गन्ना किसानों के बकाये राशि का भुगतान करने का एक नया रास्ता निकाल दिया है, जिसके तहत सरकार ने अपना आदेश जारी करते हुए साफ किया है कि अब बिहार में वैसे चीनी मिल जिन्होंने अब तक किसानों और अपने कर्मचारियों के पैसे का भुगतान नहीं किया है, उनके मिल की नीलामी कर पैसे का भुगतान किया जाएगा, जिसके तहत विभाग की तरफ से संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया गया है। विभाग की माने तो सभी चीनी मिलों को सरकार की तरफ से कई बार अल्टीमेटम दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने इन मिलों के खिलाफ ही कार्रवाई करने का मन बना लिया है, साथ ही ऐसे चीनी मिलों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। 50 नई सीएनजी बसों का 24 जुलाई से होगा परिचालन। बिहार में प्रदूषण के स्तर को कम करने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके तहत अब राजधानी पटना में सीएनजी बसों का परिचालन शुरू होने वाला है। परिवहन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से हरी झंडी मिलने के साथ ही 24 जुलाई से पटना की सड़कों पर 50 सीएनजी बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। पिछले महीने ही यह बसें बिहार में आ गई हैं और इनकी रजिस्ट्रेशन और परमिट की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जानकारों की माने तो इन बसों के परिचालन होने के साथ ही इनमें से 40 सीएनजी बसें गांधी मैदान से दानापुर या बिहटा के लिए जाएंगी, जबकि 10 बसें पटना साहिब रूट पर चलेंगी। ज्ञात हो यह बसें 31 सीटर हैं। सबसे खास बात यह है कि इन बसों के किराए में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, इनका किराया पहले की तरह ही रहेगा। बिहार में कोविड-19 के मिले 100 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 82 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 633 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, अरवल में 4, औरंगाबाद में 3, बांका में 1, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 2, दरभंगा में 1, ईस्ट चंपारण में 8, जमुई में 4, कटिहार में 1, खगड़िया में 5, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 3, मुजफ्फरपुर में 2, नवादा में 1, पटना में 12, पूर्णिया में 1, रोहतास में 5, सहरसा में 12, सारण में 2, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 2, सुपौल में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा भोजपुर, बक्सर, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, किशनगंज, मुंगेर, नालंदा, समस्तीपुर, शेखपुरा, वैशाली और वेस्ट चंपारण में 1 भी मामले सामने नहीं आए हैं। वहीं 2 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,40,695 सैंपल की जाँच की गई, वहीं 126 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। रोमांचक तरीके से जीती टीम इंडिया। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज में दूसरी जीत हासिल कर ली है, जिसके तहत बीते दिन खेले गए मैच में भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हरा दिया। आपको बता दें, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 275 रन बनाए थे। भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार और यजुवेंद्र चहल ने 3-3 विकेट लिए, वहीं दीपक चाहर भी 2 विकेट लेने में कामयाब रहे। भारत की तरफ से दीपक चाहर ने नाबाद 69 रनों की पारी खेली और सूर्य कुमार यादव ने 53 रनों की पारी खेली। उनके अलावा मनीष पांडे ने 37 और कृणाल पांड्या ने 35 रनों का योगदान दिया, जिसके बाद भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। शत्रुघ्न सिन्हा से जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने की मुलाकात। बीते कई दिनों से शत्रुघ्न सिन्हा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले भाजपा में जाने के कयास के बाद इन दिनों उनके टीएमसी में जाने की चर्चा तेज हो गई है। इतना ही नहीं, कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि उनके कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि इन सबके बीच बीते दिन अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन से मुलाकात की है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट जारी करके दी। जारी किए गए ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 19 दिसंबर 2021 को दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड कायस्थ कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के संबंध में बिहार की आन बान और शान प्रख्यात बॉलीवुड स्टार एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा से मिलकर मैंने विमर्श किया। महिलाओं के बहाने जदयू ने राजद पर साधा निशाना। महिलाओं के नाम पर बीते दिन जदयू ने राजद पर निशाना साधा है, जिसके तहत जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि पति पत्नी के शासनकाल के 15 वर्ष में महिलाओं के लिए सामाजिक भागीदारी तो सुनिश्चित नहीं की, लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करने में भी असफल रही। आखिर क्यों? उस वक्त लालू यादव को पद छोड़ना पड़ा था, तब राज्य की बागडोर अनुभवहीन हाथों में सौंपी गई थी, मगर अब भी पार्टी संगठन और सदन में महिलाओं को समुचित भागीदारी राजद ने नहीं दी है। आखिर क्यों? परिवार की महिलाओं को किचन से मंत्री पद तक आसीन कर दिया, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा तक भेजा, लेकिन राज्य की आम महिलाओं के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया, आखिर क्यों? वहीं इसी दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जिक्र किया और उन्हें महिलाओं का मसीहा बताया है।
बढ़ती महंगाई पर विपक्ष और मांझी के सुर एक। बिहार में इस समय महंगाई की मार है, ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले खड़ा है। इसी बीच अब विपक्ष की आवाज को मांझी का साथ भी मिल गया है। इसको लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि महंगाई का असर सभी चीजों पर पड़ा है, केंद्र सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। बढ़ती महंगाई से तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चिंतित है। वहीं FIR दर्ज कराए जाने को लेकर थाने का चक्कर लगा रहे सुधीर कुमार को लेकर भी जीतनराम मांझी ने कहा कि कोई भी आदमी को अगर दिक्कत होती है तो वो थाने की शरण में जाता है। थाना में अगर कोई जाता है तो वो दलित हो या फिर कोई भी, उस पर थाने को एक्शन लेना चाहिए। वहीं इस बाबत राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि बिहार में एक दलित अधिकारी के साथ किस प्रकार का जुल्म हो रहा है, यह आज पूरा बिहार देख रहा है। महंगाई को लेकर नीतीश सरकार के बयान पर कांग्रेस ने कसा तंज। दूसरे जनता दरबार कार्यक्रम के समापन के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर अपना बयान जारी किया था, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते देखे जा रहे हैं, लेकिन इसको कम करने की प्रक्रिया पर अभी गौर नहीं किया गया है। जिसके बाद क्या था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान से विपक्ष को मिर्ची लग गई। यही कारण है कि कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि यह बिहार का और बिहार के लोगों का दुर्भाग्य है। यह मुख्यमंत्री की गैर संवेदनशीलता और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होना दर्शाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री जो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, चीजों को समझते हैं, वो कहते हैं कि इस पर गौर नहीं किया गया। जो लोग पेट्रोल डीजल पर 26 रुपया प्रति लीटर टैक्स देते हैं, उन पर क्या गुजरी होगी। टिकट बुक करवाने में आ रही है तकलीफ तो अपनाए ये नियम। फेस्टिवल सीजन आने में अब बस कुछ ही दिनों का समय बाकी है, ऐसे में इस दौरान भारी मात्रा में रेल यात्रियों का आवागमन भी शुरू होने वाला है। ऐसे में हम आज आपको एक आसान ट्रिक के बारे में बताएंगे, जिससे आप आसानी से अपना ट्रेन टिकट बुक करा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी IRCTC ID लॉग इन करनी होगी। इसके बाद जहां से ट्रेन बोर्ड करनी है और डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करें, फिर तारीख सिलेक्ट करें, जिसके बाद जिस ट्रेन में टिकट करवाना है उसे सिलेक्ट करें और बुक नाउ पर क्लिक करें। डिटेल्स को रिव्यू करें और कैप्चा कोड डालें, फिर पेमेंट विकल्प पर जाएं। यहां आपको पेमेंट गेटवे के अंदर IRCTC ई वॉलेट पर क्लिक करना होगा, फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना होगा, जिसके बाद आपको कंफर्मेशन पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहां आपको OTP डालना होगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। बस इसके बाद आपको पेमेंट ई वॉलेट से हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने विकिपीडिया से की खास अपील। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए लगभग 1.5 साल का समय हो गया है। हालांकि अब तक उनकी जान क्यों गई थी, इस बात का कोई खुलासा नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह को लेकर विकिपीडिया पर भी कई तरह के अपडेट जारी किए गए हैं। हालांकि अब सुशांत की बहन प्रियंका ने विकिपीडिया से एक खास अपील की है, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि विकिपीडिया के जिमी वेल्स से मैं ये अपील करती हूं कि एक शीर्ष भारतीय एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से सुशांत की जान जाने के मामले में जांच अभी भी जारी है, इसलिए विकी पेज पर उनकी जान जाने की वजह खुदकुशी को जांच में बदला जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि विकी पेज पर सुशांत की लंबाई 183 सेंटीमीटर में बदल दे, क्योंकि खुद से ज्यादा विश्वसनीय सूत्र कौन हो सकता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज है। औरंगजेब ने 1658 में अपने अनौपचारिक राज्याभिषेक का जश्न मनाया। कोलकाता में भारत के पहले सार्वजनिक थिएटर हॉल स्टार थिएटर की शुरुआत 1883 में आज के दिन हुई। संविधान ने 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था। भारत चीन के बीच सीमा पर 1962 में आज के दिन से युद्ध शुरू हुआ था। प्रतिभा पाटिल 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी चैतन्य चौहान का जन्म 1951 में आज के दिन हुआ। प्रसिद्ध तमिल अभिनेता शिवाजी गणेशन का निधन 21 जुलाई 2001 को आज के दिन हुआ था। भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका गंगूबाई हंगल का निधन 2009 में आज के दिन हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 20 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,300 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,300 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,500 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.64 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रजापति कुमार, बबीता यादव, महेश कुमार चौधरी, सनी कुमार, लाल बाबू, शंकर मुखिया, विजय घायल, सुरभि कुमारी, अनन्या चौरसिया, मनीष मोहरा, धर्मेंद्र राजा, ललित कुमार, मंटू मनोहर, सुजीत कुमार चौधरी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार में कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के शिक्षण संस्थानों को खोल देना चाहिए या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।